मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। बच्चों ये खंड टू का शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय है। चैप्टर का नाम है शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय। हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, कुर्सी, मेज, किताब आदि हिंदी के शब्द हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। बच्चों शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर एक, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा आदि हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया गया है और शब्दों के अर्थ आप कोश से देख भी सकते हैं। नंबर टू, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। सबसे पहला क्या स्वतंत्र इकाई है भाषा की, और भाषा की सार्थक इकाई है। शब्द क्या है बच्चों, जैसे कि अगर कोई शब्द हम बोलते हैं उसका सार्थक कोई अर्थ निकले, केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयां ही शब्द कहलाती हैं। जैसे कलम तथा कमल, देखिए शब्द एक ही हैं तो हिंदी के शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों सार्थक हैं। क्यों, कलम का अर्थ भी है और कमल का भी अर्थ है, क्योंकि पर मकल और लकम शब्द नहीं है, भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हैं, बच्चों उन्हीं वर्णों से ये बने हैं, जैसे का माला, कालामा, मा काला, ये सब हैं एक ही ध्वनि है, लेकिन इसका कोई इसका सार्थक अर्थ है, जैसे कलम और कमल का, लेकिन मकल और लकम का कोई अर्थ नहीं है। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों आदि के नाम बताने वाले होते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा। देखिए बच्चों ध्यान से, ये सारे शब्द अलग अलग हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। कुछ क्रियाएं शब्द होती हैं, जैसे करना, पढ़ना, लिखना, ये क्रिया शब्द है। जैसे अच्छा, बुरा, ये विशेषण शब्द है और ये क्रिया विशेषण है। जैसे क्रिया का विशेषण क्या, धीरे धीरे, तेजी से, कल, आज आदि। शब्द निर्माण की प्रक्रिया तीन प्रकार से हो सकती है। उपसर्गों के द्वारा, जैसे अनादर, प्रत्ययों के द्वारा, सुंदरधनता, सुंदरता। समास प्रक्रिया द्वारा, जैसे स्नान, धन, ग्रह, स्नान ग्रह। अब है बच्चों उपसर्ग, ये क्या था, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण कैसे होता है, शब्द बनता कैसे है। अब है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों, जैसे उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में भी उपसर्ग समझाया था बच्चों, वही है क्या, ये शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आदर, आदर में क्या लग गया, अनादर, ये आदर से एक नया शब्द बन गया अनादर। जैसे नाश, इसमें पहला इसमें उपसर्ग लग गया वी, तो ये विनाश, इसका अर्थ भी एक नया शब्द बन गया। इसे दुर्दिन, इसी तरह है बेटा। अब है तत्सम उपसर्ग, वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत में
से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में मिलते हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे उपसर्ग अर्थ, जैसे उपसर्ग है क्या, अति। अति का क्या अर्थ होता है बच्चों, अधिक। इसका उदाहरण जैसे अत्यंत, अत्याचार। अति का क्या होगा यहाँ, अधिक, अत्यंत, बहुत अधिक, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्युत्तम, अत्यधिक। अधि, अधि मीन्स ऊपर, श्रेष्ठ, अच्छा। इसे अधिकार, अधिनायक, अधिकरण। अनु का मतलब पीछे, अनुसरण करना, सुना होगा बच्चों, जैसे पीछे चलना, पीछे सामान बाद में आने वाला, जैसे अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध। अब है अप, अप मीन्स बुरा या हानि, जैसे सुनना होगा ना अपयश, अपकार, तो बुराहीन, अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द। अब है अभी, अभी क्या, सामने, और, अभिनव, अभिमुख, मतलब सामने की ओर। अव, बुरा, हीन, उप, अवसान, अवसर, अवकाश। अब आ, तक, समेत, आहार, आक्रमण, आजीवन, उच्च, उत, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्थान। ये ऊपर क्या है ना बेटा, उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण। इसी तरह बच्चों आप इसको रीडिंग करिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऑफिस से नंबर लेकर मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। अप है, अब है उपसर्गों, तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार है, जैसे उपसर्ग क्या है, आ या अन। अभाव निषेध, जैसे अनपढ़, अनजान, अनहोनी। उन, उन मीन्स कम, 49, 59, 69, 39। अव, अवगुण, अव मीन्स कमी, हीन, अवगुण, अवघट, अवतार। इस तरह आगत, विदेशी उपसर्ग हैं, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। बा के साथ से, बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। बा साथ या से, बाकायदा, बा अदब, बावजूद। अब उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग, तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे सु तत्सम उपसर्ग है, या तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र बनता है, पर पूत तद्भव के साथ सुपूत नहीं। ये सुपुत्र बन सकता है बेटा, लेकिन ये सुपूत नहीं, सुपूत कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुप्रचलित हो जाते हैं, या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि। संस्कृत के निषेधवाची अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुनी आदि। तत्सम उपसर्गों के कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, जैसे दूर, दुष, दुष, दुष आदि, जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार ही लगते हैं। दुर, दुर्लभ,
दुर्गुण दुर्बोध। संघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में, ये संघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्द में लगते हैं बच्चों। दुस, दुसाहस, दुसाध्य, दुस्तर, ये सात अघोष ध्वनियों के पूर्व लगते हैं। दुष, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्रभाव, दुष्प्राय, कपा आदि अघोष ध्वनियों के पूर्व लगते हैं। दुष, दुश्चरी, दुश्चिंतता, च आदि ध्वनियों के पूर्व, ये चा ध्वनि के पहले ही लगते हैं। इसे इसी प्रकार निस, निश, निस, निस रूपों के प्रयोग भी मिलते हैं। एक उपसर्ग में एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। उपसर्गों में से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वहीं वहीं रहती है जो मूल शब्द की, और कभी उसकी व्यवहारिक व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। जैसे व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन अथा, अथा क्या है बच्चों, था संज्ञा है, अथा संज्ञा का ये था का विशेषण क्या हो गया, अथा हो गया। अनपढ़, अन क्या हो, पढ़ क्या हो गया, क्रिया हो गया, अन अनपढ़ विशेषण हो गया, अनपढ़ विशेष। अब है व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं, यहाँ व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन है, यहाँ व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं है। जैसे अनहोनी, अनहोनी होनी भी संज्ञा है और अनहोनी भी संज्ञा है। आवश्यक, आवश्यक क्या है, विशेषण है, और अनावश्यक भी विशेषण है। जैसे जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी संज्ञा है और गैर जिम्मेदारी भी संज्ञा ही है बच्चों। इसमें व्याकरणिक कोट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें व्याकरणिक कोट में परिवर्तन है, क्योंकि कोई संज्ञा और कोई विशेषण क्रिया है या विशेषण है। अब है बच्चों आपका एक्सरसाइज, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आप इसको घर पे रीडिंग करिएगा और पढ़ते रहिएगा बच्चों। जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।